क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आप अपना खुद का मोबाइल फोन बना लो, यानी कि अपना फेवरेट डिस्प्ले लगा लो, प्रोसेसर लगा लो, जितनी चाहे उतनी रैम, जितना मन चाहे उतना स्टोरेज लगा लो और कंप्लीट पैकेज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। यार जैसे पीसी मार्केट में नहीं होता कि आप रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, विंडोज का OS, सारी चीज़ आप खुद असेंबल कर सकते हो और कोई भी असेंबल कर सकते हैं मार्केट में खरीद के। लेकिन यार ये चीज़ फोन में पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन शायद अभी तक या शायद कभी देखने को ना मिले। वेल पीछे की असली कहानी क्या, सच्चाई क्या, सारी बात इस वीडियो में पता लगाने वाले। वेल अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करें तो जो पीसी मार्केट और मोबाइल फोन का मार्केट है ना, बहुत ज्यादा अलग है। यानी कि पीसी मार्केट की बात करें तो वहां पे जो कंपोनेंट्स है ना, वो एक तरह से स्टैंडर्डाइज हो रखे, सारी कंपनीज उन्हीं स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, इंक्लूडिंग एप्पल। यानी अगर हम बात करें पीसी मार्केट में, तो अपना मनचाहा प्रोसेसर उठा लो, वो इंटेल की तरफ से आता है, AMD की तरफ से आ सकता है। मदरबोर्ड में आपको तमाम कंपनीज देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड में GPU NVIDIA और AMD बनाते हैं और उसके काफी सारे बोर्ड पार्टनर्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको रैम्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्टोरेज SSD चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए, उसके ऑप्शन से केस का ऑप्शन से, यहां तक कि विंडोज भी है ना, माइक्रोसॉफ्ट फ्री में देती है एक तरह से और उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। और चाहे तो कोई भी कंपनी है ना, आपको यही सारे कंपोनेंट्स है ना एक जगह एक पैकेज में बना के आपको बेचती है। सारी लैपटॉप कंपनीज का भी तो यही काम है कि अलग अलग कंपोनेंट्स लेती है, एक साथ बना देती है और आपको बेच देती है। इवन काफी जगहों पर तो आपको कस्टमाइज असेंबल लैपटॉप्स के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस टाइप की चीजें भी आपको देखने को मिलती है। खैर वो बात अलग हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो पीसी मार्केट कंपैरिजन में स्मार्टफोन मार्केट ऐसा नहीं है। क्वालकॉम जो है वो कोई भी आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इंडिविजुअली नहीं बेचेगी, ना ही कभी ये बताएगी इंडिविजुअल प्रोसेसर की कीमत कितनी है। वो हमेशा बड़ी कंपनीज को बल्क ऑर्डर लेके बेचती है और बल्क ऑर्डर में नेगोशिएशन वगैरह हो जाता है कि कितनी कीमत पड़ सकती है पर्टिकुलर प्रोसेसर की। ऐसे ही रैम चिप्स हो गए, स्टोरेज हो गया, ऐसे ही डिस्प्ले आपको कभी देखने को नहीं मिला कि सैमसंग अपना AMOLED स्क्रीन आपको इंडिविजुअल बेच रही, नहीं होता। सोनी का IMX इमेज सेंसर की बात करें तो उसके साथ भी कभी नहीं होता कि इमेज सेंसर सोनी हमेशा से अलग बेच रही है। यार ये सारी चीजें नहीं होती। इवन गूगल भी ऑफिशियली अलाउ नहीं करती किसी को भी एंड्रॉइड है ना उनका यूज करना। मतलब कस्टम रोम्स वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन गूगल एप्स को भी आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली गूगल खुद अपनी तरफ से चीजें प्रोवाइड नहीं करती। तो देखा जाए तो मोबाइल फोन का जो मार्केट है वो पीसी मार्केट से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि मोबाइल फोन में जो लोग है ना, वो एक तरह से पार्ट्स है ना सारे पिक करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें कंप्लीट पैकेज मिले। और यहां पे जो कंपनीज है ना, वो भी क्या करती है, फोन को एज अ कंप्लीट पैकेज डिजाइन करती है। मतलब वो पार्ट्स तो ऑफ द शेल्फ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक कंप्लीट पैकेज वो अपने हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाले डिफरेंट फोन्स देखने को मिलते हैं मार्केट में और सबके अंदर आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स, अलग अलग टाइप की स्पेसिफिकेशन और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, मार्केट में कितने स्नैपड्रैगन 865 वाले फ़ोन हैं और अब तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाले फ़ोन भी आएंगे, 765G वाले फ़ोन्स भी आएंगे। यानी कि तमाम प्रोसेसर के आपको अलग अलग प्राइस सेगमेंट में फोन्स देखने को मिलेंगे। कोई प्रोसेसर के साथ किसी फोन कीमत बहुत कम होगी तो किसी प्रोसेसर के साथ किसी फोन की कीमत बहुत ही ज्यादा होगी। अब इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, यहां तक कि जो कंपनीज होती है ना, वो आपको ये भी चूज करने नहीं देती कि आप अपने फोन के अंदर कितनी रैम और स्टोरेज चाहते हो। वो उन्होंने मतलब अगर 6GB रैम 128GB का वर्जन बनाया ना, तो आपको वही लेना पड़ेगा। अगर आप 6GB के साथ 256GB स्टोरेज चाहते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको 8GB रैम 256GB वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो यार इस टाइप की चीज है ना, कंपनीज जानबूझ के डिजाइन करती है। और इसी के आगे बढ़ के बात करें तो जो कंपनी के जो पूरा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो होता है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर एक जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट को कवर करे। एक काफी अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं उसे। Realme X3 उन्होंने अभी Realme ने रिसेंटली लॉन्च किया था। उसकी खास बात है कि उसके अलावा स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट मिलता है और वो पूरा फोन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो टेक एंथुसियास्ट लोग होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। और वो लोगों के लिए जो कि हाथ में फोन ना पकड़ने की बजाय ऑन पेपर स्पेकशीट देख के फोन खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए देखा जाए तो उन्होंने देखा कि जितनी सारी चीजें ऑन पेपर अच्छी लग रही, सारी डाल दो। जैसे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ऑन पेपर अच्छा लगता है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस ऑन पेपर अच्छा लगता है, जूम लेंस, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, आपको 30 वॉट की डॉट चार्जिंग, ये सारी चीजें जो है ना, ये ऑन पेपर अच्छी लगती है, इसलिए उन्होंने ऑन पेपर ये सारी चीजें डाल दी। फोन को इस तरीके से बनाया गया कि ऑन पेपर अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। रियलिटी में ये है कि उसके अंदर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। जी हाँ, ये स्पेसिफिकेशन शीट में मेंशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उन्होंने क्रॉस कटिंग करी। उन्होंने सोचा हेडफोन जैक हटा देते, वो
स्पेसिफिकेशन शीट में नहीं दिखता। तो और इस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन किया। इवन ऐसा ही कुछ कहानी थी पोको F1 की। जब पोको F1 आया था ना, तो उसे भी इस तरीके से बनाया गया था कि ऑन पेपर उसमें वो फीचर वो स्पेसिफिकेशन सारी देखने को मिले जब वो किसी महंगे फोन में देखने को मिलती है। और इसीलिए उसकी कीमत थोड़ी कम करने के लिए उन्होंने उसमें पीछे प्लास्टिक बैग डाल दिया, क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग थी। अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान को प्लास्टिक बैग वाला फोन दोगे तो उसे ज्यादा पसंद ना करे, लेकिन अगर उसको कोई ग्लास या मेटल फ्रेम के साथ कोई एक अच्छा फोन दो तो हाथ में पकड़ने में सॉलिड लगेगा और उसके ऊपर लोग को जाना पसंद करे। तो देखा तो हर जगह का मार्केट अलग होता है। कुछ लोग हाथ का जो इनहैंड फील होती है उसके लिए फोन लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ कैमरा के लिए फोन लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ सेल्फी कैमरा के लिए लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रोसेसर देख के लेते हैं। जी हाँ, इस टाइप की पीछे की कहानियां चलती रहती लोगों के बीच में। और इसीलिए जो कंपनी होती है ना, वो हर प्राइस सेगमेंट में अपना जो प्रोडक्ट होता है ना, हर किसी अलग इंसान के लिए बनाते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, वो अलग होती है। इवन जब भी कभी आप फ्लैगशिप वर्सेस फ्लैगशिप कलर सुनते हो ना, तो हो सकता है आपको फ्लैगशिप कलर और फ्लैगशिप में सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं ना, वो परफॉर्मेंस को आप रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन जब भी कोई फ्लैगशिप आता है ना, तो वहां पे आपको एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलता है, कुछ प्रीमियम चीजें देखने को मिलती है, और कई बार आपको ब्रांड वैल्यू का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि छोटी छोटी चीजें जो फ्लैगशिप कलर या दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सस्ती कीमत मिलते हैं, वो मिस कर देते हैं। जैसे बात करें इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, जो इमेज की क्वालिटी आ रही है वो कैसी है, OIS फोन के कैमरा के अंदर है कि नहीं, या फिर कोई अलग इनोवेटिव फीचर, या फिर कोई सुपर फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, या फिर कोई दूसरी चीज है। इस तरीके से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट किया जाता है फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर के बीच में। इवन जो काफी सस्ते फोन होते हैं ना, जिनमें आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, तो कई बार वहां पर भी इधर उधर क्रॉस कटिंग की जाती है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जानबूझ के फोन से हेडफोन जैक हटाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी जो है ना, वो अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है और अलग से TWS ईयरफोन्स बेचना चाहती है। जैसे बात करें Xiaomi के, आपको महंगे फोन के अंदर हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, और Realme के भी महंगे फोन से हेडफोन जैक गायब हो चुका है, तो वहां पे आपको उनके अलग से TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपको देखने को मिलते हैं, ताकि जो लोग हैं उनके ट्रू वायरलेस ईयरफोन खरीदे। इसी के साथ ही कंपनीज अगर कोई फोन को अगर सस्ते बेच रही, तो उसको एज अ सर्विस यूज करेंगे, अंदर एड्स दिखाएंगे, ब्लोटवेयर्स देंगे, जिससे वो आगे चल के और ज्यादा पैसा बना सके। कुछ केसेस में जो कंपनीज है ना, वो सर्विसेज वगैरह भी बेचती है। यहां तक कि जो गूगल है ना, वो अलाउ नहीं करती किसी को एंड्रॉइड देखना, मतलब कोई कंपनी को वो अपना एंड्रॉइड देती है, लेकिन कंपनी है ना, वो अपने हिसाब से जो एंड्रॉइड को इस तरीके से कस्टमाइज करती है, ताकि लोग अपने हिसाब से एक्सपीरियंस दे सके। कई बार वो ब्लोटवेयर देगी, कई बार वो एड्स डालेगी, अपने हिसाब से चीजें चलाएगी। इवन गूगल का कंट्रोल जो रहता है ना, वो एंड्रॉइड अपडेट्स के ऊपर इतना नहीं रहता जितना कंपनीज का रहता है। और पीसी वर्ल्ड के अंदर एक कहानी है ना, उल्टी हो जाती है। पीसी वर्ल्ड के अंदर सारी चीज स्टैंडर्डाइज है, और विंडोज जो है ना, वो पूरा कंट्रोल करती है अपडेट्स और किस तरीके का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे कहानी अलग हो जाती है। इवन देखा जाए तो जो एप्पल है ना, वो भी कुछ इसी तरीके के काम करती। यानी कि आईफोन को उन्होंने इस तरीके का बनाया कि उसके जो पार्ट्स है वो ऑफ द शेल्फ मिले नहीं, ताकि जो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ उसका कंपैरिजन ना हो पाए, और उसके अंदर वो अपनी ब्रांड वैल्यू और अपने फीचर्स के हिसाब से सारी चीजें चार्ज करते हैं। इवन मैक कंप्यूटर के साथ भी यही है। जो मैकबुक होता है ना, उसके अंदर मैकबुक के अंदर जो प्रीमियमनेस होती है और जो ब्रांड वैल्यू होती है ना, वो उसका चार्ज कर रहा है, और डेफिनेटली मैक ओएस का। लेकिन अंदर के आप लोगों को भी पता है कि उसके अंदर आपको इंटेल का प्रोसेसर, AMD का GPU देखने को मिलता है, इसलिए वहां पर भी एक स्टैंडर्डाइजेशन सा आया प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि स्पेसिफिकेशन वाइज। लेकिन एप्पल सर इसलिए चार्ज कर पाती, क्योंकि एप्पल एक कंप्लीट पैकेज बनाकर बेच रही है, और इसीलिए एप्पल है ना, धीरे धीरे अपने खुद के प्रोसेसर धीरे डेवलप कर रही है, जिसका रिजल्ट आगे चल के ये होगा कि जिस तरीके से वो आईफोन को थोड़े हायर प्राइस पॉइंट पे कर पाते हैं और उसकी हाई प्राइस को जस्टिफाई कर पाते हैं, इसी तरीके से एप्पल मैकबुक के अंदर उनके सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो वो आगे चल के उसकी प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आपके पास कोई चीज होगी नहीं। तो देखा जाए तो प्राइस टू परफॉर्मेंस जो चीज रहती है ना, ये कंपनीज के लिए तो नुकसान होती है, लेकिन लोगों के लिए अच्छा रहता है कि लोगों को पता चल जाती है कौन से प्राइस पे कौन सी चीज में ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। लेकिन कई बार जो प्राइस रहता है ना, उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, या फिर आपको कोई एडिशनल चीजें देखने को मिलेंगी। यहां नहीं कि अगर आप मान लीजिए आपने अलग अलग प्राइस पॉइंट पे दो फोन लिए और दोनों में सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी जो दोनों ही फोन होते हैं ना, वो अलग चीज को कैटर करने के लिए बनाया जाता है, दोनों फोन के बीच में प्रोसेसर को छोड़कर और कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, इसलिए वो अलग ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। दोनों के जो मेजर सेलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो अलग होते हैं। तो देखा है तो पीछे की कहानी यही है। तो ये मतलब होता है कि अगर आप कोई प्रोसेसर के साथ कोई फोन अगर महंगा देख रहे, तो ऐसा जनरली नहीं है कि वो हमेशा ओवर प्राइस्ड हो। नहीं, कई बार वहां पे डिजाइन पे फोकस होगा, कई बार वहां कैमरा पे फोकस होगा, कई बार वहां पे आपको कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, कई बार कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और कई बार एक प्रोसेसर के साथ अगर कोई सस्ता फोन देख रहा, तो जनरली उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑलवेज बेस्ट हो। यानी कि आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, और आपको बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑन पेपर, लेकिन हो सकता है उसके अंदर आपको जो इनोवेटिव फीचर्स होते हैं वो देखने को ना मिले। अगर आप ब्रांड वैल्यू
एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको देखने को ना मिले। इवन ब्रांड वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे जो कंपनीज है ना वो चार्ज करती हैं, और इसीलिए आपको कभी भी जो फ़ोन को असेंबल करने का ऑप्शन है ना वो नहीं देती। यानी कि अगर फ़ोन को अगर असेंबल करने का ऑप्शन अगर कंपनीज देने लगे तो जो कंपनीज के जो महंगे फ़ोन से वो आखिर खरीदेगा कौन? यानी कि गैलेक्सी नोट सीरीज हो गई जो अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है, वन प्लस के फ़ोन देखो हमेशा उनमें टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन रहती है लेकिन हर साल वो अपने फ़ोन के प्राइस इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि एक दो फीचर सेट करते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन ओएस के दम पे फोन की कीमत आगे कर देते हैं। इवन एप्पल के साथ भी यही केस है, और यही रीजन है कि ब्रांड वैल्यू चली ना जाए इसलिए आपको देखने को नहीं मिलते फोन को असेंबल करने के ऑप्शन। यानी अगर आप अपना खुद का फोन बनाने लगे तो कंपनी इतनी मेहनत करके खुद का फोन जो डिजाइन कर रही है, आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है कि कंसेप्ट काफी अच्छा लगता है खुद का फोन बनाने का, लेकिन इस टाइप की चीजें ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और कंपनीज भी नहीं चाहती कि इस टाइप की चीज लोग करने लग जाए। इस टाइप की चीज अगर लोग करने लग गए तो बड़ी बड़ी कंपनीज का जो धंधा है ना वो कंप्लीटली चौपट हो जाएगा। फिर तो आपको हर दूसरे दिन एक फ्लैगशिप कलर देखने को मिलेगा और आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लैगशिप कलर बना सकते हो। तो यार ये पीछे ही कहानी हो जाती है। और वैसे आप लोग क्या लगता है, अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कंप्लीट फोन लेने का या फिर खुद का फोन असेंबल करने का, तो आप लोग क्या चूज करोगे? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर गुड बाय।